तो राष्ट्रगान के अपमान के आरोप को लेकर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। दोनों पार्टियों के पार्षद वैल में भिड़ गए, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद दूसरी साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। राष्ट्रगान के आरोप को लेकर हंगामा शुरू हो गया और जानकारी ये कि कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने विधायक गोपाल शर्मा को पीटने की कोशिश की। बीजेपी पार्षद बीच में आ गए, दोनों के बीच विवाद हो गया। हंगामे के बाद सभा को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि सारा विवाद माइक बंद करने को लेकर शुरू हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस नेता अमीन कागजी और रफीक खान पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का आरोप है कि राष्ट्रगान के बीच में तार खींची गई, इसके चलते राष्ट्रगान रुक गया। हवा महल विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य भी साधारण सभा की बैठक में पहुंचे थे। तो बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और रफीक खान के बारे में जिक्र करते हुए गोपाल शर्मा बता रहे हैं कि अमीन कागजी की बातों का हम सब ने स्वागत किया, लेकिन रफीक खान ने ऐसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए जो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। अमीन कागजी जी ने भी अपनी बातें जो रखी उस पर किसी को एतराज नहीं था, यहाँ तक कि भाजपा के पार्षदों ने ज्यादा टेबलें थपथपाकर उनकी बातों का स्वागत किया। लेकिन जब रफीक खान जी की बारी है तो उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए जो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं थे, जैसे हटवाड़ा लगेगा ही लगेगा, 300 गज की रिहायशी बिल्डिंग के अंदर या 100 गज की व्यावसायिक भूमि पर कोई भी नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसकी दुर्गति होगी, उसके लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे, बार बार धमकी भरे अंदाज के अंदर ये कह रहे थे। तो विधायक गोपाल शर्मा ने बताया है कि राष्ट्रगान के संचालन के समय सब आंख मूंद कर और मौन होकर सावधान मुद्रा में खड़े थे, तभी विधायक अमीन कागजी की तरफ से तार खींचे जाने की बात सामने आई है और राष्ट्रगान का संचालन रफीक खान द्वारा रोक दिया गया। विधायक गोपाल शर्मा ने इस घटना को देशद्रोह बताया है और कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रगान शुरू हो गया, 2 लाइनें हम लोगों ने सावधान की मुद्रा के ऊपर गाई और गाने के बाद में अमीन कागजी ने कहा कि राष्ट्रगान मत होने दो, तार खींच दो, अमीन कागजी ने कहा। हाँ, और रफीक खान जी ने तार खींच लिए और जिसके कारण अधबीच में राष्ट्रगान रोकना पड़ा। तो ये सीधा सीधा राष्ट्रगान का अपमान है और राष्ट्रद्रोही गतिविधि के अंदर आता है। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी मुबारक खान इस वक्त लाइव मौजूद हैं और उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है मुबारक, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं विधायक गोपाल शर्मा की ओर से, कह रहे हैं तार खींची गई है और यहाँ पर अमीन कागजी बोल रहे थे तो हमने सुना, लेकिन रफीक खान अलग ही मुद्दे उठा रहे थे, अलग ही तरीके से बोल रहे थे, क्या पूरा मामला है ये जानकारी दीजिए। जी मनी, देखिए कल हेरिटेज निगम की करीब 3 सालों बाद जो है वो साधारण सभा की बैठक होनी थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद और मेयर का वहां मौजूद होकर उस सभा हम कह सकते हैं कि हेरिटेज निगम की करीब 3 सालों बाद होने वाली बैठक का आयोजन होने जा रहा था, जिसमें विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, ये सभी तमाम लोग जो है इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। और इस दौरान जब बैठक की शुरुआत हुई तो वहीं से जो है हंगामेदार शुरुआत रही, क्योंकि इसके पीछे कई सारी वजह है। अगर रफीक खान की बात करें तो देखिए बीते दिनों हटवाड़े को हटाने नगर निगम की टीमें पहुंची थी, जहां गरीब लोग अपना हर जैसे मंगलवार बुधवार को अपना बाजार लगाते हैं, तो इस तरीके की जगह जब निगम की टीमें पहुंची तो उस जगह पर विधायक रफीक खान ने उस चीज का विरोध किया कि गरीब लोगों के कमाने के रोजगार की जगह इसे बंद नहीं करवाया जाए, बल्कि इसे दूसरी जगह अगर कोई जगह है तो वहां से शिफ्ट कर दिया जाए, जिसके विरोध में स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो आ गए और उनके बीच में झड़प भी हुई उस दौरान। और उसके बाद जो है एक बार फिर अब जब साधारण सभा की बैठक हुई तो उसकी शुरुआत भी वैसे ही हुई कि रफीक खान ने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिनको लेकर वो लंबे समय से बातचीत कर रहे थे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पार्षदों और बीजेपी के जो विधायक थे इनका हम कह सकते हैं कि भिड़ंत हुई,
कई सारे मुद्दों को लेकर, और जब शुरुआत हुई तो वहां गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि ये दोनों विधायक जो है ये राष्ट्रगान की राष्ट्रगान नहीं होने दे रहे हैं, राष्ट्रगान के दौरान तार खींचने का भी उनकी ओर से आरोप लगाया गया। ऐसे में कांग्रेसी पार्षद भी इस बात को लेकर गुस्सा हो गए। वहीं गोपाल शर्मा ने कहा कि हम मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, तो मिनी पाकिस्तान की बात को लेकर भी कांग्रेस और जो अन्य जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने विरोध दर्ज किया, और विरोध इस कदर हुआ कि कई पार्षद गोपाल शर्मा को हाथापाई के लिए भी की तरफ भी जाने लगे। ऐसे में पुलिस ने बीच बचाव किया और इस मामले को शांत करवाया। क्योंकि जयपुर नगर निगम की बैठक बुलाई गई थी, निश्चित तौर पर जनता से जुड़े यहाँ पर मुद्दे उठाए जाने थे, लेकिन जब राष्ट्रगान चल रहा था, राष्ट्रगान के बीच में ही अगर बोला जाना है तो ये तो गरिमा के खिलाफ है। और बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं मुबारक खान कि तार खींची गई है, रोका गया है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, और क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि राष्ट्रगान हो रहा था और उसी दरमियान सवाल उठाए गए उनकी ओर से, रफीक खान की ओर से? देखिए ये राजनीतिक बयान है, इस तरह की घटना हालांकि नहीं हुई है, वहां कैमरे भी लोगों ने लगा रखे थे, मीडिया भी वहां थी, इस तरह की चीज तो खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर था कि काफी गहमा गहमी का माहौल था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, हर एक चीज को लेकर बार बार जो है मेयर को खड़ा होना पड़ रहा था, मेयर को रोकना पड़ रहा था, पार्षद किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, और कई सारे ऐसे मुद्दे थे, और कहीं ना कहीं इसके इन नेताओं की इस बयानबाजी और विवाद के बीच में आम जनता के अधिकार पिस रहे हैं, आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, जयपुर की सफाई व्यवस्था हो, लाइट व्यवस्था हो, तमाम जो दूसरी चीजें उन पर भी इसका खासा असर पड़ा है। जिन मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी थी वो मुद्दे तो गौण हो गए और दूसरी तरफ ये बहस चल पड़ी। ऐसे में रफीक खान की ओर से भी आरोप लगाए गए कि मिनी पाकिस्तान बनने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बातें कर रहे हैं, इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो है वो पिसती नजर आई। उनके लिए जो बात होनी थी, जयपुर के वासियों के लिए जो चीजों पर बात होनी थी वो बातें नहीं हो पाई, बल्कि वहां मुद्दा ही दूसरा बन गया। और जब ये मुद्दा दूसरा ही बन गया है तो ऐसे में जो बैठक बुलाई गई थी वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपको मुबारक तमाम जानकारी के लिए।